नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दार सागर ग्राम पंचायत के गांव में। यहां पर मेरे साथ में किसान साथी है और ये सब कर रहे हैं यहां पर सामूहिक खेती। व्यक्तिगत खेती तो आपने देखा आपके इर्द गिर्द में और आप खुद भी खेती करते होंगे। लोगों के अपने खेत होते हैं, अपने खेतों में सब्जियाँ उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। यहाँ पर लोग सामूहिक खेती कर रहे हैं और बंजर वेस्टलैंड जिसे कहते हैं, ग्राम पंचायत की वे भूमियाँ, चाहे बिलानाम भूमि हो चाहे चरागा भूमि हो, ऐसी भूमि को लेकर उस भूमि पर जो है सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं। चाहे खेत की खुदवाई करना हो, चाहे उसमें फसल की बुआई करना हो, चाहे उसके अंदर निंदाई गुड़ाई करना हो, ये सब लोग मिलकर करते हैं और इससे जो है जो उत्पादन जो होगा उसको ये बारी अपने हर एक भाग सुनिश्चित करके सभी का अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। ये एक अनोखी खेती है जो कासा संस्था के इनिशिएटिव से, कासा संस्था ने इन लोगों को जागरूक किया, समझाया और इन लोगों को समझ में आया और ये मिलजुल के, सबसे बड़ी बात है कि सभी मिलजुल के कर रहे हैं और सबको मज़ा आ रहा है। और बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपको भी आना था खेत पे, लेकिन अगर ये दोनों नहीं आ पाए हैं, आज खेत का निंदाई करना है और ये नहीं आए हैं, तो फिर क्या होता है? गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है, नहीं करा थे कहीं खेत, फिर के तो फिर प्रेम कैसे बनेगा? ये तो और झगड़े वाली बात हो गई। तो ऐसे भी करथन, फिर वाला मिला के फिर बात करथन के देखो भाई, संगी मन छोड़िया तो थोड़े बनी भाई, सबसे मस्त मिल के जुल के करबो तब तो काम बनेगा, ऐसे में थोड़े हो जाए ऐसे कहके फिर सब संगी मिल के जुल के करथन सब काम ल। खेती किसानी जाथन तो खेती किसानी में भी मिल के काम करथन, सब पूरा यह करके अपन काम पूरा हम बनाथन। और अभी इसमें क्या क्या काम किया अब तक? ये मां तेरी अभी ये बुआ है, कोदो बुआ है, हिरवा बुआ है। पर ये हिरवा का जो ये आपने सामूहिक किया ना, सामूहिक किया, तो इसको करने में काम क्या क्या आप करना पड़ा? हम लोग जोताई करे, सबसे पहले क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले सब झाड़ लेला, कटाई करे हन। कटाई करे के बाद में फिर हमन ओखर जो घास रही तेला नांगर के साथे साथ आधा घास भी निकाल दिए हैं। और निकाले के बाद फिर तीन चार माह अच्छा जोताई करे हैं। जोताई करे के बाद फिर हम एक बुआई करे हैं। ये काम किया महिलाओं ने, क्या क्या काम किया है? ये वहाँ महिला मन पूरा नींदल झड़ रहा है, नींदा झड़ाई करे हैं, झड़ा के पूरा यह करके घास, बहुत घास रही सर ऐसे घास पूरा ये मऊ जाते, वो घास ला फिर नांगर के साथ ही साथ फिर हम झड़ाई करे हैं। झड़ाई करके फिर एक यह करे हैं। लेकिन ये भी तो है कि अभी आपका जैसे खेत है कहीं पे उधर, हाँ, है ना, हाँ, उधर निंदाई करना है, हाँ, तो आप क्या करोगे? 10 मजदूर को बोलोगे जो काम करने वाले हैं गांव में, उनको बोलोगे भाई कल मेरे खेत पे आना, हाँ, है काम करना है, अभी इधर आना है, तो कौन सूचना करता है फिर कि भाई कल चलना है? तो हमारे सचिव अध्यक्ष बने हैं, वो भी बात करते हैं। हाँ, सचिव अध्यक्ष अभी वो कही कि हमला सूचना दही कि सब तुमन आओ भाई, अब आके चलो हमला वो जगह हमला काम करना है, इसे कही फिर वो काम में फिर सब शामिल हो जाता। मैं जैसे सुन दारे फिरे नहीं सुने हैं, फिर मैं जाके मोहल्ला मोहल्ला जाके एक एक आदमी हम पता कर लेथन। पता करे के बाद हमला ये खेती हमला तैयारी करना है तो चला खेती में कह के फिर हम सब मिल के जाथन। हाँ, ये जाके हम मिल, अगर कोई नहीं आया काम करने के लिए, दो महिला नहीं आई, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम मिल के करथन बिहान दिन, फिर वाला जाके समझाथन कि देखो भाई हम सामूहिक खेती करथन, सामूहिक खेती करने में सब जाबो मिल के करबो तब तो है भाई, ऐसे कह के फिर बिहान दिन वो लोग ला समझा लेथन, समझा के फिर लेथन काम में, तो सब मिल के फिर सब करथन काम में। ये शासकीय जमीन है, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच से मांग किए हैं इसको, तो सामूहिक खेती कर रहे हैं। आपने समूह कैसे बनाया, कहाँ बैठ के बात करी, समूह कैसे बनाया और फिर यहाँ पर क्या लगाना तय किया, कौन कौन क्या काम करेगा ये कैसे तय किया, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये ग्राम कुपा बांधा दुर्गा पंडाल में बैठक हुआ था कांसा समिति के द्वारा, तो सामूहिक खेती के बारे से बोले हम लोग कि संगठन समिति बना लो अपना, उसके बाद बढ़िया हिरवा है, साग सब्जी है, गेहूं है, आलू है,
ये सब लगाना सामूहिक, ऐसे करके बोला। उसके बाद हम संगठन बैठक करके सलाह हुए, फिर बन गया हमारा, तैयार हुए सब समिति के लोग। तो क्या क्या बोया यहाँ पे अब तक आपने? मैं तो यहाँ कोदो भी बोया हूँ, अरहर, तीली और ये हिरवा। आपने कितने बीघे जमीन में ये क्या लगाया है और इसका क्या उपयोग है? ये 5 किलो कोदो बोया हूँ, ये 50 डिसमिल है कोदो में। हाँ, ये इसका खाने से बढ़िया ताकत मिलता है, शुगर बीमारी का भी दवाई है ये। और चावल से कोमल कहता है चावल, ये कोदो का चावल। ये जो हिरवा आपने लगाया है, ये हिरवा क्या होता है, इसमें किस तरह का दाना निकलता है, क्या इसका आटा बनता है, कैसे खाते हैं, क्या उपयोग है इसका? ये हिरवा है जो मैंने छोटे छोटे दाने के रूप में होता है, इसके दाल बनाते हैं इसको। दाल बना करके जैसे कमज़ोर महिलाएं हैं, पुरुष है, या फिर उसको खड़ी माने उबाल के महिलाओं को दिया जाता है उसके पानी से, तो उनको ताकत आता है। जैसे गर्भवती महिलाएं हो गए और माने जचकी पीरियड में मन बच्चा होने के बाद उनको भी दिया जाता है, ऐसा मैंने हिरवा में शक्ति बताया गया। और खाते हैं उनको ताकत भी आते हैं।